शुक्र है आ गए हैं। सारा दिन कहाँ थे आप? फैक्ट्री में था। और कहाँ था? मतलब ऐसा कौन सा फैक्ट्री में काम करते हैं आप कि सारा दिन आपको घर आने की फुर्सत नहीं मिलती, इतना लेट आते हैं, थोड़ा टाइम से आ जाया करें। सारा दिन घर में अकेले बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ, और तो और मेरा खाना भी कमरे में भिजवा दिया जाता है। आपके आश्रय में वापस आई थी मैं, और आपको ही मेरी परवाह नहीं, आप तो थोड़ा टाइम दे दिया करें मुझे। कमाल है यार, आते ही गिले शिकवे शुरू। अच्छी बीवियां घर आने पे शौहर से चाय का पूछती हैं, पानी, खाना, और आप बस। अरे मैं भी तो ऐसा ही करना चाहती हूँ, जरा मेरा भी तो सोचें। सारा दिन घर में बल्कि इस कमरे में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, कोई बात नहीं करता, कोई मुंह नहीं लगाता, फिर ऐसी बात तो हो ही जाती है ना। आप अकेली कब से हो गई? तो बच्चे हैं मैडम आपके, तो घर वाले भी तो होते हैं। घर वालों की तो आप बात ही मत करें, कोई आकर मुझे मुंह ही नहीं लगाता। और तो और आज जुहेब के लिए लड़की देखने गए थे, लड़की देख ली, पसंद कर ली, बात तक पक्की कर दी, लेकिन मजाल है, घर की बड़ी बहू को किसी ने पूछा हो कि बेटा साथ चल लो, किसी ने पूछा तक नहीं। तुम साथ नहीं गई? लटक कर चली जाती, कहते तो साथ जाती ना। वैसे इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई मुझे कुछ पूछता ही नहीं है, और ऊपर से अब वो साहबजादी आ रही है, करोड़पति बाप की बेटी, मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, हर बंदा आके तजलील करेगा। ये सब अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपसे मैं साफ साफ कह देती हूँ, अपने माँ बाप को समझा दें कि मेरे साथ अपना रवैया दुरुस्त करें, वरना ऐसा ना हो कि मैं बच्चों को लेकर इस घर से चली जाऊं और फिर कभी बच्चों को मिलने भी नहीं दूंगी आपसे या किसी और से। करता हूं बात। इनसे कुछ नहीं होगा, चूहे की तरह दबे रहते हैं हर वक्त अपने माँ बाप से, जो करना है मुझे ही करना होगा।